ये चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का टॉपिक बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वो कौन से बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में बाधाएं लाती हैं। सबसे पहले है सिमेंटिक बैरियर, सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फोर्थ है पर्सनल बैरियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमेंटिक बैरियर क्या है। समटाइम्स द सेम वर्ड एंड सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट people in the organization because of difference in the understanding level of employees. तो कभी कभार एक जैसे words या sentence के अलग अलग मतलब होते हैं जिन्हें organization के लोग अलग अलग ढंग या अपने understanding के हिसाब से अलग अलग ढंग से समझते हैं। सबसे पहला semantic barrier में सबसे पहले हम discuss करेंगे semantic barrier में अगर सिमेंटिक बैरियर जैसी गलती हो जाए कम्युनिकेशन में तो वो आगे जाके क्या क्या बाधाएं ला सकता है। सबसे पहले बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी मैनेजर्स में वर्ड्स ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स एक्सेट्रा ड्यू टू द मैनेजर में फेल टू कन्वे द सेम मीनिंग टू द सबॉर्डिनेट। कभी कभार मैनेजर्स सबॉर्डिनेट्स को अपनी वोकैबुलरी में कमजोरी होने की वजह से सही से नहीं समझा पाता, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ भी या सबॉर्डिनेट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड पार्ट है सिमेंटिक बैरियर का सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। तो समटाइम्स अ वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग, द रिसीवर मे अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग, देयरफॉर कम्युनिकेशन बिकम इनएफिशिएंट। तो कभी कभार एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं लेकिन अगर रिसीवर उसे ठीक से समझ नहीं पाता तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव कहलाती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक क्रेन हम जानते हैं एक चिड़िया भी है और कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ होने वाले एक बहुत बड़ी मशीन भी। थर्ड आ जाते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन, समटाइम्स द वर्कर्स डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय द मैनेजर्स, सो वर्कर्स गेट इट ट्रांसलेटेड ड्यू टू रॉन्ग ट्रांसलेशन, देयर मे बी ट्रांसफर ऑफ रॉन्ग मैसेज। जैसे कि सोच लीजिए कि कोई इंग्लिश बोलने वाला है और कोई हिंदी बोलने वाला है, अगर हिंदी बोलने वाले को इंग्लिश बोलने वाले की बातें समझना है तो वो किसी ट्रांसलेटर की मदद लेगा, लेकिन अगर ट्रांसलेटर उसे ठीक से ना समझा पाए तो फिर वो काम पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, वो मैसेज रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, समटाइम्स द वर्कर्स मैन मिस इंटरप्रेट द अजम्पशंस एंड अकॉर्डिंग एक्ट दिस मे लीड टू अनडिजायरेबल एक्शन। कभी कभार सेंडर्स अज्यूम कर लेते हैं कि रिसीवर को इस मैसेज का मतलब यही समझ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार रिसीवर अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल की वजह से कंफ्यूज भी हो जाता है जो सेंडर उसे कन्वे करना चाहता है। फिफ्थ आ जाते हैं टेक्निकल जागन, While explaining to subordinate, many experts use technical words which may not be understood by the workers. कभी कभार अपने subordinates को बताते समय managers कुछ ऐसे technical words का इस्तेमाल करते हैं जो कि कभी कभार workers को समझ में नहीं आता। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, मेनी टाइम्स देयर इज मिसमैच ऑन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, दिस मे लीड टू कंक्लूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉयज। तो बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स का बातों के वर्बल कम्युनिकेशन के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं हुआ, जैसे फेस का एक्सप्रेशन कुछ और बोल रहा है और आप कह कुछ और रहे हो, अगर ये कभी कभार उन्हें समझ नहीं आया तो एम्प्लॉय को समझ नहीं आया तो ये उस कम्युनिकेशन को भी इनएफिशिएंट ही माना जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि है साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल फैक्टर आल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द स्टेट ऑफ माइंड हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिफ्लेक्शन एंड देयरफॉर These factors play an important role in communication process. The various psychological barriers are. जैसा कि हम जानते हैं कि communication तभी effective होती है जब हमारी state of mind उसे अच्छे से समझ पाता है
और उन वर्ड्स को प्रोसेस कर पाता है। फर्स्ट आ जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के में। फर्स्ट है प्री मेच्योर इवेल्युएशन, इट एम्प्लॉयज ड्राइविंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज। समटाइम्स पीपल evaluate the meaning of message before the sender complete the message. In such a case, the communication may become ineffective as the receiver may not have open mind. तो कभी कभार हम premature evaluation कर लेते हैं, मतलब पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसके पूरा मैसेज कंप्लीट करने से पहले। उसका पूरे मैसेज कंप्लीट करने से पहले ही अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं, इसकी वजह से कभी कभार कम्युनिकेशन इनअफेक्टिव हो जाती है। शायद उसका मतलब कुछ और होने वाला था लेकिन हमने पहले से ही उसका कोई और मतलब निकाल लिया है। सेकेंड आ जाता है लैक ऑफ अटेंशन, इट मीन्स व्हेन रिसीवर डजंट पे कंप्लीट अटेंशन टू द मैसेज एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन बिकम इनअफेक्टिव। द रीज़न कैन बी प्री ऑक्यूपाइड माइंडेड ऑफ रिसीवर। समटाइम्स द मैनेजर डोंट गिव अटेंशन ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन सच एज डिप्रेशन। तो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे कि अगर रिसीवर ध्यान ना दे रहा हो, रिसीवर जब सेंडर कोई मैसेज कन्वे कर रहा हो और रिसीवर उस पर ध्यान ना दे, वो किसी और बारे में सोचता रहे तो भी प्रॉब्लम्स होती है। या कभी कभार सेंडर भी अपने डिप्रेशन की वजह से मैसेज को ठीक से कन्वे नहीं कर पाता, तो उस वजह से उस वैसे प्रॉब्लम्स को भी लैक ऑफ अटेंशन कहते हैं। थर्ड आ जाते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन। व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू डिफरेंट लेवल्स, दिस रिजल्ट्स इन फिल्टरिंग एंड लॉस ऑन इंफॉर्मेशन, स्पेशली व्हेन इट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन डिफरेंट लेवल से आती है तो फिल्टर्ड होके आती है, मतलब किसी और से किसी और को बोलते बोलते आती है तो वो फिल्टर्ड होते जाती है, कभी कभार उसमें रूमर्स भी जुड़ जाते हैं। खासकर तब जुड़ जाते हैं जब कोई कम्युनिकेशन ओरली की हो। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रेस में, जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर का ही पार्ट है। When there is distress between the communicator and receiver, they don't understand each other message in original message and therefore communication become inefficient. कभी कभार ये distress की वजह से भी होता है, मतलब खुद एक दूसरे पर यकीन ना करना कि वो ठीक से कर पाएगा कि नहीं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी कभी कभार messages ineffective कहलाते हैं। थर्ड आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, doesn't support free flow, it may result in barrier, people at lower level may not be able to communicate freely in a centralized organization or where free flow of communication is obstructed. So kabhi kabhi organizational policies ki wajah se bhi communication ineffective reh jati hai। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है, मतलब उसकी सारी अथॉरिटी टॉप मोस्ट लेवल में है ऑर्गेनाइजेशन के, तो कभी कभार जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी बातें या कम्युनिकेशन जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज बीच में आ जाती है। सेकेंड है रूल्स एंड रेगुलेशन, rigid rules and regulations may also create barriers as flowing rules may lead to delay in movement of information. तो कभी कभी rules and regulations की वजह से भी barriers बन जाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से information जाने में delay या फिर देरी हो जाती है। third है status difference, sometimes the people working in higher level don't believe in the information supplied by the lower level employees as they feel how would he know about my job and how is he to give me suggestions, this hinder the process of communication. To kabhi kabhar स्टेटस के डिफरेंस होने से भी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव कहलाती है, क्योंकि कभी कभार अगर कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉई किसी हायर लेवल के किसी सुपीरियर को अपनी बातें बता रहा होता है, तो कभी कभार सुपीरियर सोचता है कि
वो तो एक छोटे मोटे जॉब में है, वो मेरी जॉब कैसे समझेगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, या ऐसे ऐसे टाइप की स्टेटस डिफरेंस की वजह से भी बैरियर्स बनते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स देन देयर कैन बी फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स एंड दिस विल रिजल्ट इन मेकिंग कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। तो वही है कि जब ही इंफॉर्मेशन पास होती है डिफरेंट लेवल से तो फिल्टर्ड होती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेके, जो कि कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव बना देती है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम फैसिलिटीज लाइक सोशल गेट टुगेदर, कंप्लेन बॉक्स, टास्क फोर्स एंड अदर सोशल इवेंट्स टेक्स प्लेस। इन एब्सेंस ऑफ सम फैसिलिटी देयर कैन बी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ की वजह से भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ने इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन को फ्लो नहीं होने दिया, जैसे कि कोई सोशल गेट टुगेदर नहीं रखा, कोई कंप्लेन बॉक्स नहीं है अगर किसी एम्प्लॉय को शिकायत करनी हो तो ऐसी छोटी छोटी सोशल इवेंट्स नहीं होती है, तो ये ऐसी चीज़ें भी बैरियर्स बनती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। और फोर्थ आ जाते हैं पर्सनल बैरियर्स में। There are certain personal factors of senders and barriers which may influence the free flow of communication. तो यहाँ पे कुछ personal factors आ जाते हैं senders के, जो कि communication के flow को influence करती है। First है fear of authority, where employees are afraid of their superior, they conceal, hide vital information and similarly superior also hide some information to maintain their superiority. कभी कभी एम्प्लॉयज़ अपने सुपीरियर से इतना डरते हैं कि वो कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन कंसील या छुपा देते हैं। वैसे ही कभी कभार सुपीरियर भी अपनी गलतियां या इन्फॉर्मेशन छुपा देता है ताकि वो अपनी सुपीरियोरिटी बनाए रखे। नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। समटाइम्स एम्प्लॉयज़ आर अनविलिंग टू कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर एज दे फाइंड इट अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट। कभी कभार एम्प्लॉयज़ खुद अपने सुपीरियर से नहीं बात करना चाहते क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर वो अपनी बातें उन्हें नहीं बताना चाहते क्योंकि वो नहीं समझेंगे। कभी कभार ऐसे बैरियर्स भी आ जाते हैं। अगला है नेक्स्ट लैक of incentives. If there is no incentive, even no good suggestion and ideas, the employees will hesitate to communicate. जैसे कि आप किसी को कोई बात बता रहे हैं और वो आपको अच्छे सजेशंस नहीं दे रहा या अच्छा आइडियाज़ नहीं दे रहा, तो आप उससे ऑटोमेटिकली कुछ शेयर करना बंद कर देंगे। तो वैसे ही है lack of incentives. नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट। इफ सुपीरियर हैव नो कॉन्फिडेंस एंड नो ट्रस्ट इन देयर सबॉर्डिनेट, दे पे नो अटेंशन टू देयर एडवाइस, ओपिनियन एंड देयर सजेशन। अगर सुपीरियर को कोई कॉन्फिडेंस या कोई ट्रस्ट ही नहीं है अपने सबॉर्डिनेट में, तो कभी कभी सबॉर्डिनेट भी अटेंशन नहीं देते या एडवाइस नहीं देते, अपने ओपिनियन या सजेशंस भी नहीं देते, तो इस टाइप की चीज़ें भी कम्युनिकेशन के लिए बैरियर बन जाती है।